हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी मेकअप टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप यंग, ब्यूटीफुल और बॉल्ड दिख सकते हैं। और कुछ ऐसी मेकअप की गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो अक्सर हम कर बैठते हैं और जिसकी वजह से हमारा लुक बहुत ही खराब दिखता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मैं कौन सी मेकअप टेक्निक्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जिससे आप अपने आप को यंग, ब्यूटीफुल और बॉल्ड दिखा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सेनी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर मेरी सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि हमें ज्यादा डार्क कलर के लिपस्टिक को नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाने से आपको ओल्ड व मैच्योर लुक मिलता है, तो बेहतर होगा आप पिंकिश टोन्स ट्राई करें। आप चाहें तो लिप ग्लॉस भी ट्राई कर सकती हैं, यह आपको यंगर लुक देता है। सेकेंड जो मेरी टिप है वो है फाउंडेशन को लेकर। अपनी स्किन टोन से लाइटर शेड का फाउंडेशन लगाने की गलती हम सभी करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके चेहरे पर मास्क जैसा लुक आता है। तो जितना पॉसिबल हो सके अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन ही लगाएं। थर्ड जो मेरी टिप है वो है कंसीलर। यदि आप कंसीलर भी बहुत अधिक यूज़ करती हैं या बहुत ज़्यादा लेयर्स लगाती हैं कंसीलर की, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। उससे भी फाइन लाइंस हाईलाइट होंगी, इसलिए कंसीलर के अधिक इस्तेमाल से बचें। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है आई शेडो। शिमर आई मेकअप से परहेज़ करें। शिमर आई शेडो बिल्कुल मत लगाएं, यह फाइन लाइंस को उभारता है और आपको मैच्योर लुक देता है। इसके जगह पर आप लाइट ब्राउन शेड या पीची शेड इस्तेमाल कीजिए जो कि आपको यंगर लुक देते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो है आईलाइनर। ब्लैक आईलाइनर की जगह आप ब्राउन ट्राई करें क्योंकि ये आपको सॉफ्ट लुक देता है, जबकि ब्लैक हार्श लुक देकर आपको मैच्योर दिखाता है। तो इसीलिए आईलाइनर भी आप जितना पॉसिबल हो सके ब्राउन कलर के यूज़ करें, इससे आपको यंगर लुक मिलता है। नेक्स्ट जो टिप है वो है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर से मेकअप को कंप्लीट करना भी एक बड़ी गलती है क्योंकि लूज़ पाउडर आपकी फाइन लाइंस को और भी उभारेगा। अगर आप एक्स्ट्रा शाइन कम करने के लिए पाउडर यूज़ करती हैं तो सिर्फ नोज़ और चिन एरिया पर ही यूज़ करें। बेहतर होगा आप लूज़ पाउडर की जगह ट्रांसलूसेंट पाउडर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है हेयर कलर। एक ही शेड का हेयर कलर पूरे बालों में बिल्कुल ना करवाएं, इससे आपको ओल्डर लुक मिलता है। तो बेहतर होगा आप हाईलाइट्स करवाएं, यह आपको ट्रेंडी लुक देगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आई होप कि आप इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे और इससे आप दिखेंगे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो इन टिप्स को आप भी ज़रूर फॉलो कीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आई होप कि आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों और आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। तो देखा अपने फ्रेंड्स, कितनी इजी होती है ये मेकअप टेक्निक्स अपनानी और बहुत ज़रूरी भी होती है जिससे आप अपने आप को ब्यूटीफुल और बोल्ड दिखा सकें। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरे ये मेकअप टिप्स अच्छे लगे हों। और अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।